हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ ओरिजिन कोचिंग। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ क्लास 11th का फिजिक्स और हमारा टॉपिक है घूर्णन गति, घूर्णी गति, कणों के निकाय एवं घूर्णी गति। इसका थर्ड पार्ट, फर्स्ट और सेकंड पार्ट में मैंने आपको इसका पूरा बेसिक और महत्वपूर्ण संबंधों के बारे में डिस्कस किया। आज का हमारा क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज हम जड़त्व अघूर्ण पर स्पेशली उनके डिफरेंट डिफरेंट बॉडी के जड़त्व अघूर्ण का कैलकुलेशन करेंगे और सबसे पहले हम उस पर प्रमेय पढ़ेंगे। तो जो हम आज प्रमेय पढ़ने वाले हैं वो आपके क्लास के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में शामिल है। तो देखिए, हम स्टार्ट करते हैं आज का क्लास और सबसे पहले हम पढ़ेंगे जड़त्व अघूर्ण पर प्रमेय। जड़त्व अघूर्ण पर प्रमेय, थोड़ा राइटिंग का दिक्कत हो जाता है ना इसमें, अभी कुछ दिन लगेगा। थ्योरम ऑन मोमेंट ऑफ इनर्सिया, थ्योरम ऑन मोमेंट ऑफ इनर्सिया जड़त्व अघूर्ण पर प्रमेय। जड़त्व अघूर्ण I इक्वल टू एम आर स्क्वायर जो हम पढ़े उस पर तीन प्रमेय हैं, जिसमें पहला प्रमेय कहलाता है योग का प्रमेय। और योग का प्रमेय तो बहुत आसान होता है, पहला यह तो ऐसे ही है, समझ लीजिए योग का प्रमेय, थ्योरम ऑफ एडिशन। इस थ्योरम का स्टेटमेंट है कि सपोज किसी बॉडी के अलग अलग पार्ट का मोमेंट ऑफ, इस पर मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ, अलग अलग पार्ट का मोमेंट ऑफ इनर्सिया अलग अलग है। सपोज एम वन पार्टिकल है, इस तरह से यहाँ पर हम इमेजिन कर लें कि सपोज ये कोई बॉडी है और ये इसका रोटेशनल एक्सिस है और इसका सपोज यहाँ पर एम वन मास है, इसका डिस्टेंस आर वन है, मैंने पहले भी बताया था इसका। इसका सपोज एम टू मास है, आर टू है, यहाँ सपोज कोई एम थ्री मास है, इसका डिस्टेंस आर थ्री है। तो सबका अलग अलग मोमेंट ऑफ इनर्सिया जो होगा आई इक्वल टू होगा एम वन आर वन स्क्वायर आई वन, आई टू होगा एम टू आर टू स्क्वायर, आई थ्री इक्वल एम थ्री आर थ्री स्क्वायर एंड सो वन, इस तरह से। तो ये सब अलग अलग पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्सिया है और इस थ्योरम का स्टेटमेंट है कि पूरे बॉडी का जो मोमेंट ऑफ इनर्सिया होगा, पूरे बॉडी का जो मोमेंट ऑफ इनर्सिया होगा आई, वह सभी मोमेंट ऑफ इनर्सिया के, दैट मीन्स आई वन, ये हम पीछे एक बार यूज कर चुके हैं, प्लस आई थ्री प्लस एंड सो वन, इसके इक्वल होता है। यह कहलाता है योग का प्रमेय और कुछ नहीं, इसमें बहुत सामान्य सा है। वैसे जनरली हम इस प्रमेय को काउंट भी नहीं करते, दो ही प्रमेय मान के चलते हैं, लेकिन है तीन, पहला योग का प्रमेय। इसके बाद जो हम सेकंड नंबर का थ्योरम पढ़ेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट है और वो है समांतर अक्ष का प्रमेय। क्लियर। हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों के लिए एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी अनएकेडमी लेके आया है, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के क्लास 9th और 10th के स्टूडेंट्स के लिए एक कोर्स जिसमें आपके सभी विषय की पढ़ाई होगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस कोर्स का जो फी है 2500, वो सिर्फ आपको 99 रुपीज़ में मिलेगा। इसके लिए आपको क्या करना होगा, इसके लिए आपको हमारा रेफरल कोड यूज़ करना होगा जो है जितेंद्र सर लाइव। ये कोड आप यूज़ करेंगे तो 2500 का कोर्स आपको सिर्फ 99 रुपीज़ में मिलेगा। देखिए, इस कोर्स की जो सबसे बड़ी विशेषता है वो ये है कि आपको ये कोर्स तीन लैंग्वेज में प्रोवाइड किया जाएगा, इंग्लिश में, हिंदी में और साथ ही मराठी लैंग्वेज में भी। महाराष्ट्र के टॉप एजुकेटर्स आपको टीच करेंगे और आपको बेस्ट टीचिंग फैकल्टी मिलेगा, फ्री टेस्ट सीरीज मिलेगा, रिवीजन बैचेस मिलेंगे, क्रैश कोर्स होगा और सबसे अच्छी बात, आपके डाउट क्लियरिंग सेशन के लिए लाइव डाउट सॉल्विंग सेशन होगा और आपको प्रीवियस ईयर के महाराष्ट्र बोर्ड के क्वेश्चन पेपर भी तैयार कराए जाएंगे। अब आपको करना क्या है, आपको हमारे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा और आप वहां पर अनअकैडमी के ऐप डाउनलोड करके इस लिंक के थ्रू आप इसका सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं जो आपके लिए बहुत बेस्ट है। ओके, थैंक यू।
नेक्स्ट थ्योरम है समांतर अक्ष प्रमेय। ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। देखिए समांतर अक्ष प्रमेय, पैरेलल एक्सिस थ्योरम, ये थ्योरम बहुत ज्यादा यूज होता है। सेकंड नंबर का थ्योरम समांतर अक्ष प्रमेय। समांतर अक्ष प्रमेय जैसा नाम से स्पष्ट है, यहां पर समांतर अक्षों के अकॉर्डिंग हम थ्योरम को पढ़ते हैं। तो पहले मैं थ्योरम का स्टेटमेंट बताने से पहले आपको बता दूं इसका सिचुएशन, क्योंकि सिचुएशन से आपको थ्योरम ऐसे याद हो जाएगा। ये सपोज ये कोई बॉडी है और इस पर हमने सपोज दो एक्सिस लिया, ये एक एक्सिस लिया और ये हमने दूसरा एक्सिस लिया। चलिए दूसरा एक्सिस दूसरे कलर से लेता हूं तो ज्यादा अच्छा वाच होगा आपको। ये हमने लिया दूसरा एक्सिस, दोनों अक्ष क्या है समांतर है, आप देख रहे हैं। यहां पर ये जो पहला एक्सिस है, ये जो रेड कलर से आप एक्सिस देख रहे हो, इसके अबाउट हमको मोमेंट ऑफ इनर्सिया चाहिए। तो मान लो क्या है, ये एक्स वाई अक्ष है, इसी के अबाउट इसी के चारों तरफ हमको जड़त्व आघूर्ण चाहिए। और ये जो आप ग्रीन कलर से देख रहे हैं, ये जो एक्सिस है वो है सेंटर ऑफ मास से होकर जाने वाला अक्ष, सी ए मतलब सेंटर ऑफ मास, द्रव्यमान केंद्र से होकर जाने वाला अक्ष है। क्लियर, दोनों दूसरे के समांतर हैं। और यहाँ पर दोनों के बीच की दूरी, दोनों के बीच की दूरी ये हमने सपोज कर लिया, मान लो इनके बीच की दूरी a है, दोनों समांतर अक्षों के बीच की दूरी a है। अब हमने क्या किया, इस बॉडी पर सपोज इस बॉडी पर हमने एक स्मॉल m पार्टिकल सपोज किया, स्मॉल m पार्टिकल एक सपोज किया कहीं पर, और इसका डिस्टेंस हम यहां से ले लिए स्मॉल x। अब सबसे पहले हम ये जो स्मॉल m पार्टिकल है, छोटा पार्टिकल है, उसका जड़त्व आघूर्ण निकालेंगे, उसके बाद हम पूरे पिंड का जड़त्व आघूर्ण निकालेंगे। तो इसके अकॉर्डिंग इस थ्योरम का स्टेटमेंट है, ये थ्योरम कहता है कि इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्सिया होगा, दैट मीन्स आई एक्स वाई, एक्स वाई एक्सिस के जो परितः जड़त्व आघूर्ण होगा वह इसके सेंटर ऑफ मास से होकर जाने वाले अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण प्लस कैपिटल एम मतलब पूरे मास का, पूरे बॉडी का मास, और इंटू ए स्क्वायर, इनके योगफल के बराबर होगा। ये इस थ्योरम का स्टेटमेंट है। मतलब क्या हुआ, हम शब्दों में क्या कहेंगे इसको, किसी दिए गए अक्ष के परितः किसी पिंड का जड़त्व आघूर्ण द्रव्यमान केंद्र से होकर जाने वाले अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण और संपूर्ण पिंड के द्रव्यमान और दोनों समांतर अक्षों के बीच की दूरी के वर्ग के गुणनफल के बराबर होता है। क्लियर, एक बार और ध्यान से सुनो, किसी दिए गए अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण, द्रव्यमान केंद्र से होकर जाने वाले अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण तथा पिंड के द्रव्यमान और दोनों समांतर अक्षों के बीच की दूरी के वर्ग के गुणनफल के योगफल के बराबर होता है। इसको ही बोलोगे आप योगफल के बराबर होता है। तो कभी भी किसी भी स्टेटमेंट को आपको रटने का जरूरत नहीं है, आप ये सिचुएशन को समझो और ये जो फार्मूला दिया है उसको शब्दों में बोलो। इस प्रकार से सबसे पहले आप जब इसका कथन लिखेंगे, समांतर अक्ष प्रमेय का जब कथन लिखेंगे यहाँ पर, तो समांतर अक्ष प्रमेय के कथन में आप ये जो मैथमेटिकल रूप में लिखा है उसको आप शब्दों में लिखेंगे। एक बार और ध्यान से सुनो, किसी दिए गए अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण, द्रव्यमान केंद्र से होकर जाने वाले अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण तथा पिंड के द्रव्यमान और दोनों समांतर अक्षों के बीच की दूरी के वर्ग के गुणनफल, दोनों का गुणा है, के योगफल के बराबर होता है। ओके, चलिए अब हम इसको करेंगे प्रूफ। तो प्रूफ करने के लिए सबसे पहले आप पूरे वेरिएबल्स को कंसीडर कर लोगे कि कौन क्या है, और इसके बाद हम देखते हैं इस कण m का, ठीक है, ये क्या है, m स्मॉल पार्टी स्मॉल m मास का कण है, इस बिंदु का नाम हम p दे देते हैं, मान लो वह क्या है p पॉइंट पर रखा हुआ, p पॉइंट पर रखा हुआ है, ठीक है। तो
स्मॉल m द्रव्यमान के कण का एक्स वाई एक्सिस के परितः जड़त्वागुण ये हम निकाल लेते हैं। स्मॉल m द्रव्यमान के कण का एक्स वाई एक्स के परितः जड़त्वागुण, तो वो हम क्या लिख सकते हैं, आई एक्स वाई बराबर। क्लियर, एक मिनट, इसको हम कोई संकेत नहीं देते मान लो, क्योंकि संकेत का हमको जरूरत पड़ेगा आगे, तो बस जड़त्वागुण कह दिया इसको इक्वल। ये हो जाएगा स्मॉल m इंटू स्मॉल m पार्टिकल का इस एक्स वाई अक्ष से दूरी का वर्ग, तो इतना दूरी a है और ये क्या है x है, तो ये हो जाएगा a प्लस एक्स का होल स्क्वायर। क्लियर यहां तक। अभी हमने निकाला है इस कण का, स्मॉल m द्रव्यमान के कण का निकाला है, लेकिन हमको चाहिए संपूर्ण पिंड का, तो इसलिए संपूर्ण पिंड का अब मैं शॉर्ट फॉर्म में इंग्लिश में लिख देता हूं, संपूर्ण पिंड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जिसको हमने कह दिया आई एक्स वाई, तो आई एक्स वाई किसके बराबर हो जाएगा, देखो अभी मैं आपको बार बार ये बता रहा हूं कि यह कण का स्मॉल m द्रव्यमान के कण का जड़त्वागुण है, लेकिन हमको चाहिए संपूर्ण पिंड का, तो संपूर्ण पिंड का चाहिए तो क्या करेंगे हम, इसका सिग्मा कर देंगे। क्लियर, तो ये हो जाएगा सिग्मा, सिग्मा माने सम होता है, और सिग्मा m a प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ओके क्लियर यहां तक। अब यहां पर हम a प्लस एक्स का विस्तार कर देते हैं, दैट इंप्लाइज ये हो जाएगा आई एक्स वाई इक्वल सिग्मा और स्मॉल m इसका होल स्क्वायर का विस्तार कर दें तो मिल जाएगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस टू ए एक्स, ये दैट इंप्लाइज आई एक्स वाई इक्वल, अब हम क्या करेंगे सिग्मा m का अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमको मिल जाएगा अंदर में सिग्मा m ए स्क्वायर प्लस सिग्मा m एक्स स्क्वायर प्लस सिग्मा 2 m ए एक्स। क्लियर यहां तक। बट अब यहां पर देखो, अब यहां पर इसके अलग अलग वैल्यू को देखो कि कौन कौन सा वैल्यू यहां पर क्या है, परंतु यहां देखो सिग्मा m ए स्क्वायर बराबर क्या होगा, ध्यान देना, सिग्मा m मतलब क्या हुआ, छोटे छोटे पार्टिकल से बना है पूरा पिंड, तो सिग्मा मतलब सभी छोटे छोटे पार्टिकल का योग, तो ये एक छोटा सा पार्टिकल था, पूरा सब का योग हो जाएगा तो संपूर्ण पिंड का द्रव्यमान हो जाएगा, जिसको हम लिख सकते हैं कैपिटल m, ये हो गया, और a तो डिस्टेंस उसका सिग्मा नहीं होगा क्योंकि वह तो दूरी है, सिग्मा करोगे तो भी इतनी दूरी रहेगी, सिग्मा नहीं करोगे तो भी इतना दूरी रहेगा, तो सिग्मा m ए स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद सेकंड देखो सिग्मा m x स्क्वायर बराबर, सिग्मा m x स्क्वायर मतलब क्या होगा, ये पॉइंट वेरिएबल है, ये कहीं पर भी हो सकता है, दोनों समांतर अक्षों के बीच की दूरी निश्चित है लेकिन x कहीं पर भी हो सकता है, तो यहाँ पर सिग्मा m x स्क्वायर क्या होता है, ये जड़त्वागुण होगा इस अक्ष के परितः, ये जो सी एम अक्ष है उससे इसकी दूरी है, तो वो सी एम एक्स के परितः जड़त्वागुण होगा, क्योंकि सिग्मा एम आर स्क्वायर कैपिटल एम आर स्क्वायर होता है, पीछे हमने फार्मूला पढ़ा है, तो ये हो जाएगा आई सी एम, डायरेक्ट हम उसको लिख देते हैं आई सी एम, आई सी एम, क्योंकि ये सेंटर ऑफ मास से होके जाने वाले अक्ष के परितः जड़त्वागुण होगा, और ये सिग्मा टू एम ए एक्स ये जीरो होगा, यहां पर ध्यान देना ये जीरो क्यों होगा, अब यहां पर ध्यान से सुनना, 2a तो कांस्टेंट है, 2a के बारे में हम बात करें तो 2 भी कांस्टेंट है, और मैंने अभी बताया a भी कांस्टेंट है, अब m और x का जो गुणनफल है वो शून्य के बराबर होगा, क्यों होगा, स्मॉल m, ये रीजन बहुत ध्यान से सुनना, बहुत से स्टूडेंट यहां पर कंफ्यूज रहते हैं पढ़ाने के बाद भी कैसे हुआ वो, स्मॉल m क्या है, यहां पर रखे कण का द्रव्यमान है, और x क्या है,
इस अक्ष से द्रव्यमान केंद्र के बीच की दूरी है। यहां पर चित्र में देखो द्रव्यमान केंद्र के बीच की दूरी है, लेकिन हमको मालूम है द्रव्यमान केंद्र का मतलब होता है ऐसा बिंदु जहां पर संपूर्ण पिंड का द्रव्यमान केंद्रित होता है। दैट मीन्स ये जो स्मॉल एम पार्टिकल है वह भी इसी अक्ष पर है, क्योंकि द्रव्यमान अक्ष से होकर जाने वाली जो रेखा है वो द्रव्यमान केंद्र से होकर जाती है। तो एम का जो इफेक्ट है, मतलब जो स्मॉल एम पार्टिकल है वह भी क्या है, द्रव्यमान केंद्र पर है, तो इसका प्रभाव यहाँ पर है। भले वो कण वहाँ है लेकिन इफेक्टिव है कहाँ पर, सेंटर ऑफ मास पर। तो ये एक्स क्या हो जाएगा, जीरो, और एक्स के जीरो होने के कारण ये यहाँ पर जीरो हो जाएगा, और इस एक्स के जीरो होने के कारण पूरा जीरो हो जाएगा। देयरफॉर इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, जो फाइनल इक्वेशन होगा, देयरफॉर अब फाइनल इक्वेशन क्या हो जाएगा, देखो ये हो गया आई एक्स वाई इक्वल, इसको मैं पहले लिख रहा हूँ, तो इसका वैल्यू आई सी एम, आई सी एम प्लस ये सिग्मा एम स्क्वायर क्या है, एम ए स्क्वायर प्लस एम ए स्क्वायर। एक मिनट, यहाँ पर थोड़ा कंजस्टेड हो जाएगा, थोड़ा फ्री लिखता हूँ उसको मैं। ये पर यहाँ पर मैं इसको हाईलाइट करके अलग से लिख रहा हूँ, ठीक है, इसको मैं रेड इंक से हाईलाइट करके लिख रहा हूँ, ध्यान देना। आई एक्स वाई इक्वल ये पहले लिख रहा हूँ, आई सी एम प्लस एम ए स्क्वायर, और ये है इसका प्रूफ। ये जो हमने थ्योरम लिखा था आई एक्स वाई इक्वल टू आई सी एम प्लस एम ए स्क्वायर, ये इसका प्रूफ हो जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है समांतर अक्ष प्रमेय, और बहुत शॉर्टकट में मैंने इसका डेरिवेशन बताया है, एक बार रिपीट करता हूँ। देखो सबसे पहले हम स्मॉल एम द्रव्यमान के कण के लिए एक्स वाई अक्ष के पैतः जड़ त्वा घूर्ण निकाल लिए, ये, और चूंकि ये कण के लिए था तो हमने संपूर्ण पिंड के लिए जड़ त्वा घूर्ण निकालने के लिए क्या किया, इसका सिग्मा कर दिया, सिग्मा मतलब योग होता है, सिग्मा को ओपन किया, तो अपने आप ये प्रूफ हो गया। तो आई एक्स वाई इक्वल टू आई सी एम प्लस होता है एम ए स्क्वायर, यह है समांतर अक्ष का प्रमेय। देखिए समांतर अक्ष का प्रमेय और इसके बाद पढ़ाऊंगा आपको लंब अक्ष प्रमेय, दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से क्वेश्चन टीचर्स इलेवंथ में पूछते ही हैं, और इलेवंथ में क्वेश्चन आने के साथ साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप डिफरेंट डिफरेंट पार्टिकल के जब जड़ त्वा घूर्ण निकालोगे न्यूमेरिकल्स में इस थ्योरम का बहुत ज़्यादा यूज होता है। ओके चलिए तो नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं अपन। इसके नेक्स्ट है हमारा थर्ड नंबर का प्रमेय, लंब अक्ष प्रमेय। वो समांतर था और ये है लंब अक्ष प्रमेय, इंग्लिश में बोलते हैं अपन इसको परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। देखिए आप लोग को हिंदी मीडियम स्टूडेंट को भी इंग्लिश नाम जानना जरूरी है, इसलिए मैं जनरली इसकी जो टर्मिनोलॉजी है उसको बाइलिंगुअल ही पढ़ाता हूँ, क्योंकि आगे हायर क्लास में नीट आईआईटी की तैयारी करोगे तो आपको बहुत जरूरी है। ये है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम को भी हम चित्र की सहायता से अपन समझते हैं। सपोज अपने पास ये कोई बॉडी है, बॉडी किसी भी साइड से एच हो सकता है, इसलिए अपन उसको ऐसा बना देते हैं कुछ भी, ये एक बॉडी है। अब इस पर हम लेते हैं थ्री एक्सिस जो म्यूचुअली परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं थ्री एक्सिस लेता हूँ, सबसे पहले तीनों एक्सिस को मैं अलग अलग कलर से कर दूँ तो आपको ठीक से दिखेगा वो। ये एक एक्सिस है एक्स एक्सिस, क्लियर। इसके बाद सपोज ये वाई एक्सिस है, और सपोज ये जेड एक्सिस है। ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस हमने लिया, और आपको मालूम है कि तीनों अक्ष क्या होते हैं, परस्पर लंबवत होते हैं, क्लियर। तो ये हमारा कोई भी एक्सिस ले सकते हो, यहाँ से ले सकते हो एक्स वाई जेड कोई भी ले लें अपन, इसको एक्स ले लिए, इसको वाई ले लिए, इसको मैं जेड लेता हूँ क्योंकि उसी के अबाउट मेरे को रोटेट कराना है। ऐसा कोई शर्त नहीं होता लेकिन फिर भी ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। एक्स इसको आप वाई ले लो और ये ले लो जेड, क्लियर। अब यहाँ पर देखो ये जो जेड एक्सिस है इसके अबाउट हमको मान लो मोमेंट ऑफ इनर्सिया चाहिए, तो जेड एक्सिस के अबाउट हमको मोमेंट ऑफ इनर्सिया चाहिए, उस जेड एक्सिस को मैं आगे एक्सटेंड करता हूँ। तो यहाँ से हमने क्या किया, इसको ये
ये रोटेशनल एक्सिस है और हमको इसी के अबाउट ये इसका रोटेशनल एक्सिस है, इसी के अबाउट हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए, मतलब इस बॉडी को हम जेड एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहे हैं, ये जो मैंने डॉटेड लाइन बनाया है, क्लियर। अब इसके लिए क्या करते हैं अपन, देखो सपोज यहाँ पर हमने एक स्मॉल एम मास का पार्टिकल कंसिडर कर लिया। अब इसका ये ओरिजिन है, यहाँ सपोज एक्स एक्सिस इसका डिस्टेंस को हमने एक्स लिया, वाई एक्सिस इसका डिस्टेंस को सपोज वाई लिया, और ओरिजिन जेड एक्सिस जो आपको थर्ड डायमेंशन में दिखाई दे रहा है वहाँ से हमने सपोज इसके डिस्टेंस को आर लिया। तो यहाँ पर ओ ए बी, ये ओ ए बी एक राइट एंगल ट्राइंगल बन जाएगा, और इस राइट एंगल ट्राइंगल में आगे हम डिराइव करेंगे, पहले हम इसके थ्योरम की स्टेटमेंट पर बात करें। तो थ्योरम का स्टेटमेंट कहता है कि आई जेड इक्वल आई एक्स प्लस आई वाई, ये है लंब अक्ष प्रमेय, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं उसको शब्दों में हम क्या कह सकते हैं, यहाँ एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस ये परस्पर लंबवत हैं, और तीनों लंबवत अक्ष में यदि हम जेड एक्सिस के परितः, ये जेड एक्सिस के परितः यदि हम जड़त्व आघूर्ण निकालना चाहें तो दो अन्य अक्षों के जड़त्व आघूर्णों के योगफल के बराबर होता है। इसको हम सिस्टमेटिक शब्दों में क्या कहेंगे, किसी दिए गए अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण दो अन्य लंबवत अक्षों के परितः जड़त्व आघूर्णों के योगफल के बराबर होता है, जबकि तीनों अक्ष एक ही बिंदु से होकर गुजरें। ऐसा नहीं कि कहीं अलग अलग हैं, तीनों अलग अलग सरफेस में हैं तो ये कथन सत्य नहीं होगा, तीनों अक्ष को एक ही बिंदु से होकर जाना चाहिए। तो क्या एक बार और ध्यान से सुनूं, किसी दिए गए लंबवत अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण अन्य दो लंबवत अक्षों के परितः जड़त्व आघूर्ण को एक फल के बराबर होता है, जबकि तीनों अक्ष एक ही बिंदु से होकर गुजरते हैं। ये है इस प्रमेय का कथन, जिसको आप यहाँ पर लिखोगे सबसे पहले परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। अब हम करते हैं इसका प्रूफ, जैसे अभी हमने उसका प्रूफ किया उस तरह से यहाँ पर इसका प्रूफ, यह तो कथन हुआ, अब हम प्रूफ करते हैं। देखो तो ये अपने पास एक समकोण त्रिभुज है ओ ए बी, समकोण त्रिभुज ओ ए बी में, इस समकोण त्रिभुज में यदि हम पाइथागोरस थ्योरम लगा दें तो आप देख रहे हो ये जो R है वो लंबवत है, और ये क्या है आधार है, और एक ये कर्ण है, ये आधार है, एक लंब है। तो यहाँ पर R का जो स्क्वायर होगा, माने कर्ण का वर्ग जो होगा, वह x का स्क्वायर प्लस y के स्क्वायर के योगफल के बराबर होता है। चित्र में आप देखो OB जो है, जिसको मैंने R लिखा है, वो कर्ण है और ये x है, और ये इसके आगे की समांतर भुजा है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं x। तो R स्क्वायर इक्वल टू x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। बहुत आसान तरीके से मैं इसका डेरिवेशन आपको बता रहा हूँ, बहुत से राइटर्स बुक में इसको बहुत लेंदी लिखे हुए होते हैं। अब हम क्या किए, पूरे इक्वेशन में हमने क्या किया, m का मल्टीप्लाई किया, ऐसा कर सकते हैं अपन। तो एम आर स्क्वायर इक्वल एम एक्स स्क्वायर प्लस एम वाई स्क्वायर, ये हो जाएगा, क्लियर। दैट इम्प्लाइज अब हम क्या करते हैं, पूरे रिलेशन का सिग्मा ले लेते हैं, पूरे इस इक्वेशन का समीकरण का दोनों तरफ का सिग्मा ले लेते हैं। तो सिग्मा लेने से हो जाएगा ये सिग्मा एम आर स्क्वायर इक्वल सिग्मा एम आर स्क्वायर इक्वल सिग्मा एम एक्स स्क्वायर प्लस सिग्मा एम वाई स्क्वायर, ये होगा। अब आपको पता है कि सिग्मा एम आर स्क्वायर मतलब क्या होगा, ये जड़त्व आघूर्ण होगा, सिग्मा एम आर स्क्वायर जड़त्व आघूर्ण होता है, और किस अक्ष से उसकी लंबवत दूरी है, तो जेड अक्ष से उसकी लंबवत दूरी है, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, आई एक्स लिख सकते हैं, सॉरी आई जेड लिख सकते हैं। देयर फॉर आई जेड इक्वल सिग्मा एम एक्स स्क्वायर, तो एक्स क्या है उसका, एक्स अक्ष से लंबवत दूरी है, तो एक्स अक्ष से लंबवत दूरी को हम क्या लिख सकते हैं, आई एक्स, और प्लस ये वाई अक्ष से लंबवत दूरी है, तो इसको आई वाई, इस तरह से ये प्रूफ हो जाएगा, कितना आसानी से ये प्रूफ हो जाएगा, प्रूफ। ये है जड़त्व आघूर्ण का लंब अक्ष प्रमेय, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। तो ये पैरेलल एक्सिस थ्योरम, पहला तो योग का प्रमेय बताया, बहुत आसान है, उसमें कुछ भी नहीं है। इसके बाद दो प्रमेय, एक लंबवत अक्ष प्रमेय और दूसरा समांतर अक्ष प्रमेय, ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक हैं, इसको आपको ढंग से तैयार करना है। इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट आपको डिस्कशन आपके साथ करूं कि बहुत से अलग अलग साइज एंड शेप के जो बॉडी हैं, अलग अलग जो आकृति के पिन हैं, जैसे रिंग है, चकती है, बेलन है, घन है, घनाभ है, शंकु है,
ठोस गोला है, खोखला गोला है, आयताकार राड है, ऐसे बहुत से बॉडी हैं जिनका हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया याद होना चाहिए। तो न्यूमेरिकल्स के लिए और कॉम्पिटिटिव के लिए इनके सबके मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमको याद करना है, लेकिन 11th क्लास में सबके डेरिवेशन हमारे सिलेबस में नहीं है। फिर भी दो तीन इंपॉर्टेंट बॉडी का हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया का कैलकुलेशन करना है, कुछ स्टेट बोर्ड में है, कुछ में नहीं है, CBSE में है, तो ऐसा हमको कुछ इंपॉर्टेंट बॉडी जो 11th के कोर्स में है उसका हमको स्टडी करना है, और इसके बाद जो और है उनको हमको सीधा याद करना है चार्ट से। आपके बुक में भी चार्ट दिया होगा, तो वहाँ से हमको उसको क्या करना है, याद करना है। तो ये दो तीन अलग अलग बॉडी के मोमेंट ऑफ इनर्शिया का मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको डेरिवेशन कराऊंगा, और ये जो है इसका उसमें यूज़ होगा। तो आपको क्या करना है, इसको पहले बहुत अच्छे से तैयार करना है, फिर बहुत जल्दी फिर मैं इमीडिएट आपको उसके तीन चार बॉडी का, जिसमें रिंग का करना है अपने को वलय, हिंदी में वलय बोलते हैं, डिस्क का करना है, चक्ती का और राड का करना है, ये तीन 11th क्लास के स्टैंडर्ड में होता है। ओके, थैंक यू।